हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है मैसेजेस के लिए, उनके दिल के मैसेजेस और आपके लिए क्या है जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो देखते हैं, अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक है, और अगर दिल की बात वो क्लियरली नहीं कह पाते तो वो आपके इन मैसेजेस के थ्रू क्या कहना चाहेंगे। रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। उनके दिल के मैसेजेस क्या है। लॉट फ्रीडम और सपोर्ट, कमिटेड रिलेशनशिप। ऐसा लगता है कि ये इंसान है ना, अपनी लाइफ सिचुएशन में ना फंसा जैसा फील हो रहा है। हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग जो रिलेशनशिप या कमिटमेंट या जो मजबूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी वजह से ना इंसान जैसे दब सा गया है। जैसे अपनी ख्वाहिश उसको करने नहीं आती, लेकिन अपने डिज़ायर फुलफिल करना हो, अपना मन करता है वो करने ना हो, ये आपसे ना बात करना चाहते हैं या आप तक पहुँचना चाहते हैं, बट कुछ ना चीज़ है, लेकिन कुछ जगह पे हो नहीं सकता, कुछ जगह पे अंदर ही अंदर गुस्सा है, कहीं तकलीफ़ है, कहीं मजबूरियां हैं, उसके चक्कर में ना ये इंसान बहुत ज़्यादा ना बिखरा हुआ सा फील हो रहा है मुझे। बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी है और बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये खास करके आपका जो एक बॉन्ड है, आपका जो साथ है, आपकी जिसे कनेक्शन है ना, मतलब आपके साथ जो बात होती है तो जिस तरह से एक एनर्जी डेवलप होती है, एक रोमांटिक एनर्जी फील होती है, वो किसी और के साथ फील ही नहीं हुई। ये किसी और रिलेशन में भी हो सकते हैं, या उन्होंने ट्राई किया हो, कुछ भी हो सकता है, या मैरिड हो सकते हैं, लेकिन एक शुरू में के अलावा वो एनर्जी, जो पर्टिकुलर बॉन्ड, एक स्पेसिफिक बॉन्ड जो आपके साथ था, वो आपके साथ जो बात थी ना, वो हर चीज़ मिस की जा रही। उन्हें मतलब जैसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ऐसे क्या चीज़ है जो आप में ही है। तो आपकी तरफ एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। ये इंसान ना जैसे अपने जो बंधन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या मजबूरी हो या जिद हो या कुछ भी हो, बट अपनी जो एक जोन है, जो जो उन्होंने बना लिया है या बन चुका है उनके आसपास किसी भी रीज़न से, तो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, एक खुल के जीना चाहते हैं, आपके साथ वही पल बिताना चाहते हैं, भले वो पहले हुए पल जैसे हो या फिर एक नई एनर्जी हो जिसने एक नई शुरुआत हो, कि आपके साथ वो एक अच्छा सा एक बॉन्ड हो, साथ हो, सपोर्ट हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और मुझे एक सॉन्ग चैनल हुआ है, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हों। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू। इनको ना आपका दिल तोड़ने का, दिल धुकाने का, धोखा देने का बहुत गिल्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये सब चीज़ें खराब की है, और जिस तरह से आपको दुख दिया है ना, तकलीफ दी है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काश हम मिले नहीं होते। आई कैन फील योर डिज़ायर फॉर मी। ये भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो और आप भी उनके लिए तड़पते हो, भले आप दिखाते नहीं या आपने आपको कंट्रोल करके रखा है, आपने मूव ऑन करने की कोशिश करी हो, जो भी हो, बट उनको पता है कि आपके मन में भी वही है जो उनके मन में है। आई चूज़ टू बी विद यू। इनके मन में ना बहुत ज़्यादा एक डायलेमा है, एक कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर दिल की बात करें, डिज़ायर की बात करें, तो इनका डिसीजन एक ही तरफ जाता है, आपकी तरफ। यू आर टू गुड फॉर मी। इनको पता है कि आप उनके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा बेस्ट हो, बहुत ही ज़्यादा टू गुड, लाइक ऐसा इंसान मिलना मुश्किल है। आई शो अप ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। शाम की रीडिंग में था ना कि ये सोशल मीडिया पे जो भी कर रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें ना आपको ट्रिगर करने के लिए ही हो रही है। यू आर परफेक्ट फॉर मी। आप उनके लिए बेस्ट हो, टू गुड हो, परफेक्ट हो,
जैसा इंसान है, जिस तरह से ये संभाल सकता है, समझ सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, माफ़ कर सकता है, वो आप ही हो सकते हो। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव थ्रू एक्शंस। उन्हें पता है कि अभी जितनी चीज़ें बिखरी है, इसमें अगर कुछ निभाना है या आपको कुछ उम्मीद देनी है, तो उनको कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे। और यही उससे मतलब वो एक्शन लेना चाहते हैं, बट समाओ वो हो नहीं पा रहे, और वो हो नहीं पाता तो वो ज़्यादा ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और बिखरे हुए इंसान फील हो रहे हैं। आई अप्रिशिएट द लेसन्स यू टॉट मी। आपने ज़िंदगी में उनको बहुत कुछ सिखा गए थे, स्पेशली ऐसा लग रहा है कि प्यार करना जैसे आपसे सीखा हो। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी। आपकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खास करके आपकी मूव ऑन की एनर्जी की वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, एंड सीक्रेटली ऑब्सेस विद यू। आज की एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा है कि ये इंसान ऑब्सेस्ड आपके लिए है, ये एनर्जी फील होती है, ऑब्सेस्ड आपके लिए है, लेकिन वो अगर आपके पास नहीं आ पा रहे ना, तो एडिक्शंस है, फ्लर्टिशियस एनर्जी है, कहीं किसी से भी बात करना हो तो वो चीज़ हो सकती है। आई एम स्केयर टू रीच आउट टू यू। मन तो करता है लेकिन बात करने को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। रीचिंग आउट की भी एनर्जी है, स्केयर्ड भी एनर्जी, मतलब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लगता है, ऐसा लगता है कि इंसान मैसेज टाइप तो करता है बट सेंड नहीं करता, क्योंकि अजीब सा डर लगता है उसे। आपको खोने का डर मुझे बहुत ज़्यादा इस एनर्जी में, और अजीब सा अट्रैक्शन, मतलब जैसे आपको पाना है, कैसे भी करके पाना है, और वो खोने का डर बहुत ज़्यादा सता रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।